तो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हमारे पास है टाटा नेक्सॉन। पिछली बार हमने इसका रिव्यू किया था तो बहुत से लोगों को पसंद भी आया और उस पर अच्छे व्यूज़ आए। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि स्टोरी, मतलब मेरा मूड कैसे बना टाटा नेक्सॉन लेने का। तो बहुत से, मतलब मैं गाड़ियाँ देख रहा था मार्केट में, तो मेरा बजट था अराउंड 12 लाख का। तो 12 लाख में मैंने बहुत सारी गाड़ी देखी। पहले तो मैं ब्रेजा के शोरूम में गया था, मतलब मारुति सुजुकी में, जो हर इंडियन का ट्रस्ट होता है, वहाँ पे चला गया मैं। और मेरे मतलब चाचा है, उनके पास भी है वो ब्रेजा मारुति सुजुकी की, और मुझे उसे कुछ खास नहीं लगी। और सबसे गंदा पॉइंट मुझे ब्रेजा का लगा कि उसमें रियर एसी नहीं है। तो सब एसी मतलब डैशबोर्ड पे है, फ्रंट पे है, आप समझ लोगे होंगे। बहुत से लोगों के पास ब्रेजा ऑन भी करते होंगे, तो कुछ लोग हेट भी करेंगे कि ये ब्रेजा के बारे में कुछ बुरा बोल रहा है। नहीं भाई, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। मतलब मुझे ब्रेजा उस पॉइंट की वजह से पसंद नहीं आई। वैसे तो गाड़ी एकदम रफ टफ है, 1.5 लीटर एस्पिरेटेड इंजन है, एकदम मस्त है। और दूसरी बात, फिर मैं हुंडई के शोरूम में चला गया। तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र बीड डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, तो हमारे बीड मतलब डिस्ट्रिक्ट में छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। वहाँ सिर्फ तीन शोरूम होंगे गाड़ियों की। एक था टाटा का जो अभी खुला है, पहले मारुति सुजुकी का था, मारुति सुजुकी एरिना, और एक हुंडई का है। मुझे लगभग इतने ही शोरूम पता है, मतलब मैं इतनों में चक्कर काट चुका हूँ। तो फर्स्टली मैं गया था मारुति सुजुकी में ब्रेजा देखने, तो वहाँ के जो सेल्स पर्सन होते उनसे मैं मिला। तो मैंने कहा मुझे ब्रेजा देखनी है, तो उन्होंने कहा कौन सा वेरिएंट देखना चाहेंगे आप। तो मैं ZXi पसंद करता हूँ, कि मेरे चाचा के पास भी वही है, और वैल्यू फॉर मनी लगता है मुझे वेरिएंट। ये भी मैंने टॉप वेरिएंट नहीं खरीदा, इसके ऊपर भी एक वेरिएंट आता था, उसमें सिर्फ सनरूफ ऐड थी, बस कुछ नहीं था बाकी, और क्रूज कंट्रोल। तो मुझे नहीं लगता कि वो वैल्यू फॉर मनी फीचर है, वो आप बाहर से भी करवा सकते हैं, बहुत से लोग करते भी है। तो ZXi मैंने, मुझे पसंद थी वो गाड़ी, मतलब देखने चला गया कि पापा भी बोले मारुति सुजुकी लेते हैं, बहुत से लोगों के है, और नहीं क्या बहुत से लोग राय देते हैं, मतलब जब पापा घूमते हैं मार्केट में उनको बताते लोग कि ऐसा लो वैसा लो। तो ठीक है, हम चले गए मारुति सुजुकी में भी। तो ब्रेजा देखी, तो उनके पास ZXi नहीं था, तो ZXi प्लस दिखाया उन्होंने, और एक ZXi वी कौन सा था, LXi के ऊपर VXi था। तो वो दो वेरिएंट बोल रहे थे, तो मैं उन्हें बोल रहा था एक ZXi प्लस का मुझे कोटेशन दो, पर वो सेल्स पर्सन मुझे VXi बेच रहा था, मतलब सर VXi लो, आपको मॉडिफाई करके देता हूँ, मतलब वो जो ZXi प्लस में वो सब देता हूँ, ऐसा बोल रहा था। ठीक है भाई, मैंने बोला VXi का कोटेशन दे दे मुझे। तो VXi का कोटेशन भी लिया। तो आपको पता है यार, गाड़ी खरीदने से पहले आप टेस्ट ड्राइव लेते, तो मैंने उनसे टेस्ट ड्राइव मांगी, तो वो बोलने लगे नहीं हमारे पास टेस्ट ड्राइव अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने वहाँ, अरे हर शोरूम में टेस्ट ड्राइव अलाउड है। वो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, मारुति सुजुकी ने ऊपर से बंद किया है ऐसा वैसा। तो ठीक है, मैंने मतलब मैं पहले मतलब बिगिनर था गाड़ी चलाने पर, तो मुझे सिर्फ टेस्ट ड्राइव लेके ही गाड़ी पता चली गई कि कैसी है गाड़ी। मैंने कुछ ज़्यादा गाड़ी चलाई नहीं, ऐसा नहीं कुछ नहीं। तो मैंने कहा उनको टेस्ट ड्राइव देंगे तो ही हम गाड़ी बुक करेंगे। तो वो ना ना की रट लगाने चले गए। फिर मैंने पापा को कहा छोड़ दीजिए, तो हम चलते। तो भाई हम वैसे ही वहाँ से चले गए। तो मैंने वहाँ अपना नंबर दिया था, तो दूसरे दिन उनका कॉल आने लगा, सर हम टेस्ट ड्राइव दे रहे वैसे दे रहे, पर पूरा मूड ख़राब कर दिया उन्होंने। तो मैंने कहा नहीं सर, मेरे को अब गाड़ी ही नहीं खरीदनी। तो मैं चला गया हुंडई के शोरूम में। उसके मतलब 6-7 महीने पहले ही मेरे दोस्त ने i20 खरीदी थी वहाँ से, और उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा वहाँ पे। तो मैं हुंडई में चला गया देखने वेन्यू, क्योंकि मुझे सब 4 मीटर SUV खरीदनी थी, इसलिए मैं ब्रेजा के बाद वेन्यू देखने गया। तो वहाँ गया, तो वहाँ पे वेन्यू पेट्रोल प्लस डीजल दोनों थी, मतलब पेट्रोल भी थी और डीजल भी थी। तो मैंने वहाँ वैसे सेल्स पर्सन से बात की, उनसे कोटेशन लिया। तो एक बात पे गौर किया कि वेन्यू मुझे महंगी पड़ रही है, नेक्सॉन से भी और ब्रेजा से भी। उसका 12.5 लाख के आसपास कोटेशन चला जा रहा था, और वो सिर्फ टॉप मॉडल दे रहे थे। वो बोल रहे थे सर गाड़ी खड़ी है, 2-3 दिन में आप कैश दे दो, मतलब पूरा पेमेंट कर दो, हम गाड़ी आपको हाथों हाथ दे देंगे, कोई टेंशन नहीं। और वो महीना था दिसंबर का, हाँ मुझे अच्छे से याद है, दिसंबर का महीना था वो। तो पापा से मैंने कहा कि हमारे पास पेमेंट भी पड़ा था। तो देखने लगे, थोड़ा सर्च करने लगे, तो महंगी पड़ रही थी, ऊपर से मतलब उसको रियर वाइपर नहीं था, डिफॉगर नहीं था, उससे भी महंगा जा रहा था, 13 लाख से भी ऊपर। तो मुझे अच्छा नहीं लगा वो। तो पापा ने भी कहा मतलब जनवरी में नया रजिस्ट्रेशन होगा, तो अगर दिसंबर में आप गाड़ी लेते हो तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता,
अगर आप बेचने जाओगे तो उसका मतलब 2021 में दिसंबर में ली है आपको, तो 21 का पूरा साल काउंट होगा, तो उससे क्या होता है गाड़ी का प्राइस डिक्रीज होता है। तो इसलिए हमने 2022 में गाड़ी ली, तो उधर भी टेस्ट ड्राइव नहीं दे रहे थे, मतलब वो यही कि गाड़ी उनकी सर्विस सेंटर में गई है, कुछ खराबी आई है, तो 2 घंटा उनने हमारा सिर्फ टाइम पास किया। तो वहाँ से भी हम चले गए, फिर मैं टाटा में नहीं जा रहा था, मतलब मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था टाटा का, तो मैंने पापा को कहा चलो चलते हैं टाटा नेक्सॉन में एक बार देखते हैं। तो भाई मैं जैसे टाटा नेक्सॉन में चला गया तो मुझे भाई इस गाड़ी का लुक इतना पसंद आया, भाई मैं जैसे ही शोरूम में पहुंचा तो मुझे ये गाड़ी का लुक्स बहुत पसंद आया। तो मुझे क्या बहुत से लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता, वो अपना अपना ओपिनियन की बात है, पर ये गाड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मतलब इसके अलॉय व्हील्स देख सकते हैं आप, अभी थोड़े गंदे अलॉय व्हील्स, इसका पूरा कलरिंग मतलब बहुत ही अच्छा है, ऊपर से इसके ORVMP इंडिकेटर्स है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इसमें पसंद आ गई। और मतलब पापा को मेरे इतने नॉलेज नहीं है, उनको गाड़ी भी चलानी नहीं आती, वो तो मेरी जिद की वजह से उन्होंने गाड़ी खरीदी। तो उसमें मैं फर्स्टली XZ वेरिएंट लेना चाहता था, मतलब वो मेरे बजट में बैठ रहा था, 10-10.5 के अराउंड बैठ रहा था उस टाइम। तो मैंने मतलब XZ ही बुक करना था, पर अचानक मैंने देखा कि XZ में 2 चीज़ की कमी है, मतलब ऐसे ज़्यादा लोग इसका यूज़ नहीं करते, पर ये रियर वाइपर और ये डिफॉगर, तो कुछ लोगों का यूज़ लगता है कुछ लोगों को नहीं लगता, तो इससे लुक भी बढ़िया आता है रियर वाइपर से, वो लुक भी बहुत अच्छा आता है। इसलिए मैंने कहा पापा 30-40 हज़ार बढ़ा के XZ प्लस ही ले लेते, तो हमने XZ प्लस लेने का इरादा कर लिया। तो मतलब उस दिन भी टाटा वाले मतलब टेस्ट ड्राइव नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनका ड्राइवर नहीं था, वो मतलब बाहर नहीं निकालने देते गाड़ी अपने शोरूम से, मतलब वहाँ खड़ी रहती है ना उनके यार्ड में, तो वहाँ से उनका ड्राइवर ही निकाल सकता है, उनको ही ऑथोरिटी रहती है। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं भाई कुछ करो, मतलब नहीं क्या, हमको आज की आज ही टेस्ट ड्राइव लेनी है और बुकिंग भी कर देंगे हम। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, आपको गाड़ी आती है तो निकाल दो। तब मेरे पास लर्निंग लाइसेंस था सिर्फ, तो लर्निंग लाइसेंस पे उन्होंने मुझे टेस्ट ड्राइव दी और मैंने गाड़ी भी निकाली, मतलब चलाता था मैं अच्छे से, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने जैसे ही मतलब गाड़ी निकाली वहाँ से और हम एक राउंड मार के आ गए, तो मुझे भाई इतनी पसंद आ गई गाड़ी, मतलब उसका पिकअप विकअप सब कुछ एकदम मज़ेदार था गाड़ी का। तो उसके बाद मेरे पापा को वो सब फीचर समझाने लगे, मतलब तो इस पे पिछली वीडियो में मैंने डाले फीचर, इसमें कुछ ऐसा दिखाने वाला नहीं है। तो भाई पिछले वीडियो में सिर्फ हमारा एक ही पॉइंट मिस हुआ था कि ये मोड्स रह गए थे, मतलब ये बहुत से लोगों के पास है नेक्सॉन, उन्हें पता होगा ये मोड कैसे काम करते हैं। इको में आपका पेट्रोल बचाती है, सिटी में अच्छा खासा पिकअप और दोनों भी हो जाता है, मतलब स्पोर्ट्स में एकदम उठती है। तो भाई मुझे ये चीज़ बस पसंद नहीं आई, मतलब गाड़ी का जो नेचुरल पावर है वही रहना चाहिए। तो इसी बात पे मेरा मन नहीं लग रहा था, पर फिर भी मैंने ले ली। और भाई गाड़ी अब देखो कितनी चल चुकी है, 6,083 किलोमीटर चल चुकी है, मतलब इसको अब अगर इस फेब्रुआरी में जो 2023 की आएंगी फरवरी, उसमें 1 साल हो जाएंगे और गाड़ी कुछ भी नहीं चली, मतलब ये ज़्यादातर खड़ी ही रहती है, क्योंकि मैं कॉलेज में रहता हूँ, मेरे पापा अभी तक नहीं सीखे, 1 साल हो रहा है गाड़ी का और पापा एक ही गाड़ी सीखने का नाम ही नहीं ले रहे, उनके पास पीछे बहुत काम रहता है, इसलिए वो नहीं। तो ऐसा ही बाहर जाना होगा तो किसी को बुला लिया है, तो मैं रहा तो मैं ही लेके जाता हूँ जनरली बाहर। तो मारुति सुजुकी और हुंडई के साथ मेरा तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, इसलिए मैंने ये गाड़ी को चुना। और ऊपर से मैं अगर फैमिली के लिए कार ले रहे हो तो मतलब सेफ्टी देखता है इंसान, आपकी गलती से सिर्फ एक्सीडेंट नहीं होता, अगर सामने वाले की गलती है, अगर कोई मतलब ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है तो उसका भी हो सकता है। तो इसका बिल्ड क्वालिटी की ये देखिए कैसा दरवाज़ा खुलता है इसका, मतलब यही है। और इस पे आप मारुति सुजुकी का देख लो खोल के, आपको मतलब क्या ही बताना, टीन का डब्बा बोलते हैं बहुत से लोग और वो सही बात है, मतलब ठीक है जिसकी जैसी सोच। तो गाइज इसीलिए मैंने टाटा नेक्सॉन खरीदी है, मतलब सब कुछ ठीक है और माइलेज भी ऐसा कुछ ऐसा बुरा नहीं है, मतलब सिटी में अगर मैं चलाता हूँ तो गाड़ी मेरे को 16-17 की अराउंड एवरेज दे देती है, और इको में भी दे देती है 19 की, एक बार मेरे डैड ने मतलब चला दे वो बीच बीच में, पर 19 की एवरेज दी थी। और टैंक टू टैंक भी निकाली है मैंने, और एक दिन वीडियो भी बनाएंगे हम टैंक टू टैंक माइलेज का, तो 16-17 की तो अराउंड दे ही देगी, आप कैसे भी गाड़ी चलाओ। स्पोर्ट्स का मैंने इतना नहीं चलाया, कभी कभी फिलहाल ही चलाया। तो ठीक है गाइज, एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और भी नए वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑन कर दो। थैंक यू।